किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 सादा भाईचारा जिंदाबाद 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 आवाज दो चौटाला मुर्दाबाद 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 आवाज दो आवाज। देखिए तो ये पहली रात नहीं थी हमारी, ये तो पिछले 9 महीने से रात हम सड़क पर गुजार रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर हो और लगातार 2 रातें करनाल के अंदर होगी। जब तक ये सरकार ये प्रशासन नहीं मानेगा ऐसे ही रातें कटेंगे, ऐसे ही दिन कटेगा। आज तीसरा दिन है करनाल के अंदर, एक बड़ी जत्थेबंदी पंजाब से जोगिंदर सिंह ओगराह जी हमारे किसान नेता सिख किसान मोर्चे के वो आ रहे हैं और करनाल के पास लगता यूपी का एरिया शामली सहारनपुर वहाँ के किसान भी आ जा रहे हैं। और अभी पता लगा है कि पंजाब के जो सिंगर हैं, एक पंजाब से 4-5 सिंगरों की टीम भी यहाँ पर आ रही है और इस सिंगरों की टीम कंटिन्यू चलेगी जब तक ये धरना चलेगा। तो क्या रणनीति रहेगी आज, क्या बातचीत हो सकती है? देखिए कल हमारे सिख किसान मोर्चे के जो बातचीत करने के लिए गए, फर्स्ट में एक बात बोल दी थी, अगर अधिकारियों को सस्पेंड करते हो, कार्रवाई करते हो, अगर आपकी सरकार इस बात को मानती है, इस पर राजी होती है, अगर इस बात के लिए कुछ बढ़ता है तो आप लोग हमें कम को बुलाइए, वरना अन्यथा अपना भी टाइम खराब ना करें और हमारा भी टाइम खराब ना करें। तीसरी रात आज दो रात जा चुकी है, जो उसमें जो अपना हमारी मांग पूरी करते हैं, अपना उरत है अपना अपने बॉर्डर संभाल लेंगे जाकर, इतने नहीं अपना उरत हमारे करती मांग, इतने अपना उरत धरना रहेगा। तो आज बातचीत हो सकती है आपको लगता है, कल भी हुई थी? आज बात बात मान लेंगे हम तो, आज चले जाएंगे अपने बटरा पे और मांगने क्या करना होगा। तो और किसान भी आ रहे हैं अलग अलग जगह से आ रहे हैं जी, कम हम तो गाड़ी चलाने वाली है, तो फोन आए हैं बोले भाई हमें गाड़ी पर लग रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।